नमस्कार, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं कावेंद्र चौहान। दर्शकों, मैं थक चुका हूं। पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, नेपाल चले जाओ वाली डिबेट से, इन जैसी बहसों से मैं थक चुका हूं। दर्शकों, हम थक चुके हैं उन लोगों को बर्दाश्त करते करते जो खाते यहां का है, गाते पाकिस्तान का है, अमेरिका का है, तालिबान का है। ऐसा लगता है वो बेचारे और मजबूरी में यहां रह रहे हैं। अब उनकी मजबूरी को खत्म करना है। कोई बहस नहीं, कोई बात नहीं, लेट देम गो एंड फ्लाई। उनको जाने दीजिए। अमेरिका, जिनको यहां मुट्ठी भर लोग तिलक लगाकर हुड़दंग काटते दिखते हैं, और वो इसको पूरा इंडिया ही ऐसा है कहकर अपने लंदन में बैठे दोस्तों को बताते हैं, लेकिन वो कभी कू क्लक्स क्लैन पर बात नहीं करते, वो कभी बोको हराम पर बात नहीं करते, वो तालिबान पर बात नहीं करते। ये उनकी प्रॉब्लम है। दोस्तों, मैं बताता हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा हिंदुस्तान ही हमारी जन्नत है। और मैं खुलकर कहता हूं, खुलकर, कि अगर कहीं दुनिया में जन्नत है तो वो यहां है, भारत में है, हिंदुस्तान में। बाकी दुनिया का क्या कुछ हाल है वो आप इन तस्वीरों से समझेंगे। ये तस्वीरें जो आपको बताएंगी कि दुनिया का क्या हाल है। तो दर्शकों, ये तस्वीर जो आप देख सकते हैं, ये इसी दुनिया की है, इसी जगह की है और यहीं की है। ये इसी धरती की है और सुनकर शर्म आएगी उन लोगों को जो हमारी भारतीय संस्कृति का, हमारे देश का मजाक उड़ाते हैं। उनको सुनकर शर्म आएगी कि ये तस्वीरें भारत की। उनको सुनकर शर्म आएगी जो इस देश पर उंगली उठाते हैं, और वो घबराएंगे, वो डरेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें भारत की नहीं। ये तस्वीरें उनके पसंदीदा मुल्कों की है। ये तस्वीर अमेरिका की, ये तस्वीर अमेरिका के उस जगह की है जो सुनकर वो समझे। ये तस्वीरें अमेरिका की है, किंगस्टन की है। किंगस्टन के पास एक इलाका है, ये वहां की तस्वीरें। किंगस्टन के पास एक जगह है, ये वहां का शहर है, और ये शहर ऐसा ही है। ये असल तस्वीरें हैं, ये सच्ची तस्वीरें हैं। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो मेरे देश के बारे में बुरा कहते हैं। ये अमेरिका की तस्वीरें हैं, आप इनको देखते रहिए। ये वेस्ट की तस्वीरें हैं, जो वेस्ट को बहुत ज्यादा बोलते हैं कि लिबरल है, जो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है। ये वहां की तस्वीरें हैं, जो दिन भर वेस्ट की चालीसा पढ़ते हैं, जो दिन भर कहते हैं कि यहां तो दम घुट रहा है, वेस्ट इतना अच्छा है, वेस्ट इतना लिबरल है, इतना इंडिपेंडेंट है, इतना प्रोग्रेसिव है। ये है आपका वेस्ट। ये अमेरिका के किंगस्टन की तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें एक शहर है। ये वो शहर है जहां पर हर महिला, हर बच्चा, हर पुरुष एक लहर से जूझ रहा है, और ये लहर है नशे की। यहां हर कोई नशेड़ी है, गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, यहां हर कोई यहां पर नशे का शिकार है, नशे का लती है। और मैं तो कहता हूं पूरा अमेरिका ही ऐसा है। अमेरिका में सब, और उसका पोस्टर इमेज ये है। ये किंगस्टन है जहां पर जब सड़क पर चलते थे तो इस तरह की तस्वीरें दिखती थी। अभी अगली तस्वीरें उन लोगों की है जिनको बड़ा प्यारा है शरिया, यहां पर लेकर घूमते हैं शरिया की, कैसे किसका सर फोड़ते हैं, लेकिन शरिया कानून बड़ा पसंद है। मैं कहता हूं पाकिस्तान चले जाओ, मैं कहता हूं अफगानिस्तान चले जाओ, मैं कहता हूं कि जाओ, लेकिन नहीं, रहना भारत में है, यहीं की सेवैयां खानी है, यहीं का पनीर पापड़ और झापड़ खाना है, लेकिन रहना यहीं है। यहीं का प्यार, यहीं का गुस्सा, यहीं की नाराजगी, यहीं का लाड़ प्यार सब कुछ, लेकिन यहीं रहना है, यहीं गाली बकनी है, अफगानिस्तान नहीं जाना, क्योंकि अफगानिस्तान यहां बैठकर अच्छा लगता है, क्योंकि वहां तालिबान है, तालिबान शरिया लाया है, शरिया दूर से अच्छी लगती है लेकिन शरिया का पालन नहीं करता। अभी अगर मैं कह दूं कि शरिया यहां लागू करा दे तो खुश हो, तो घबराए जाएंगे, घबरा के पैंट गीली हो जाएगी इन लोगों की,
लेकिन इनको अफगानिस्तान बहुत पसंद है, खूब पसंद आता है, तालिबान पसंद आता है, इनको ऐसे देश खूब पसंद आते हैं और कहते हैं कि तालिबान बहुत अच्छा हो गया है, तालिबान गुड बॉय बन गया है, तालिबान तालिबान तालिबान। मैं आपको बताता हूं क्या है तालिबान। तालिबान ने अपना असली चेहरा दिखाकर सामने रख दिया है और इन बेशर्मों को सामने रखा है। सरकार ए टू जेड, पूरी की पूरी सरकार सब आतंकवादियों से भरी हुई है। क्या प्रधानमंत्री, क्या उप प्रधानमंत्री, क्या इनका इंटीरियर मिनिस्टर, क्या इनका डिफेंस मिनिस्टर, सब आतंकवादी। सिराजुद्दीन हक्कानी इंटीरियर मिनिस्टर है भाई साहब, एफबीआई की लिस्ट में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, 5 मिलियन का रिवॉर्ड है इनके सर पर। यह है सरकार, यह है बेशर्म सरकार आतंकवादियों की। और इनके समर्थक जो मेरे भारत में बैठे हैं, छिपकर बैठे हैं, दिल में शरिया है, दिल में तालिबान है, दिल में प्यार है उनके लिए, उनको एक बात बता दूं कि एक याद रखना, इस बात को अपने जहन में रखना कि जो लोग ना इधर के सगे ना उधर के सगे, उनका हाल गधे जैसा होता है, ना तो घर का रहता है ना घाट का रहता है। घर पर भी नहीं रह पाओगे और उस घाट का पानी भी नहीं पी पाओगे, ये याद रखना। शरिया 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 करते करते रह जाओगे, ना इधर के कभी सगे हो पाओगे ना कभी उधर के। और तालिबान ने आज जो हरकत की है उससे साफ है कि ये नहीं सुधरने वाले। इन्होंने एक पत्रकार को मारा, एक पत्रकार को पीटा, जस्ट बिकॉज ही वॉज कवरिंग द रिवोल्ट। जो महिलाएं वहां पर रिवोल्ट कर रही हैं उनको कवर कर रहा था, और उस पत्रकार ने जब इसको कवर करने की कोशिश की तो इन पागलों ने, इन आतंकवादियों के झुंड ने, इन लोटा वालों ने, इन मैं क्या बताऊं, इनको जहन्नुम वासियों ने उसको मारा, उसको पीटा। ये इनकी असली चेहरा है इनका। सरकार बनाने की बात कहते हैं, उससे ज्यादा बेशर्म बात ये है कि ये लोग एक सेरेमनी करने जा रहे हैं, एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं जहां पर ये लोग सरकार बनाएंगे, तालियां। अब पूरे देश, जितने तमाम देश हैं, किसी ने भी वहां कार्यक्रम में जाने से ना नहीं की है, किसी ने भी, किसी ने बोला हम बताएंगे बाद में, किसी ने बोला कि सोचते हैं बताते रहेंगे। यह है इनकी करतूत, यह है अफगानिस्तान में तालिबान का असली चेहरा। और जो भी मुल्क दूर से बैठकर यह सब देख रहे हैं, और जो लोग अमेरिका में बैठकर ये सब देख रहे हैं और कहते हैं कि ये तस्वीर देखो, महिला सामने खड़ी है बंदूक के, वो लोग महामूर्ख हैं, क्योंकि ये हाल आपकी वजह से है। क्योंकि जब तालिबान सरकार बनाने जा रहा है, कार्यक्रम बनाने जा रहा है, वहां पर एक दूसरे को क्राउन पहनाया जाएगा, तब कोई मुल्क, दुनिया का कोई मुल्क, दोस्तों याद रखना, याद रखना, यह हालत आज उनकी है, इनकी है, कल को हमारी भी हो सकती है। दुनिया का कोई मुल्क मना नहीं कर रहा है, सब मुल्क कह रहे हैं वी विल डिसाइड, हम सोचेंगे बताएंगे। कोई कह रहा है ठीक है बताते हैं आएंगे, लेकिन कोई भी मना नहीं कर रहा, जबकि सब जानते हैं, सब की आतंकवादी, लेकिन कोई मुल्क मना नहीं कर रहा। इनकी सरकार की क्या कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, इनकी सरकार में जो मंत्री हैं उनकी क्या कुछ प्रोफाइल है, इनकी सरकार में जो मंत्री बनाए गए, डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, उनकी क्या कुछ आज तक उन्होंने विशालकाय काम किए हैं, आप इस पैकेज से समझेंगे, आप इस रिपोर्ट से समझेंगे। उसको समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिएगा। काबुल पर कब्जे के 22 दिन बाद मंगलवार को तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान कर दिया है। तालिबानी सरकार का मुखिया मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को बनाया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। वह तालिबान के पिछले शासन में भी मंत्री था, और कहा जाता है कि 2001 में अफगानिस्तान के बालियान प्रांत में बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ने की मंजूरी हसन अखुंद ने ही दी थी। उसने इस आदेश को अपनी धार्मिक जिम्मेदारी भी बताया था। तालिबानी सरकार में शेख हिबदुल्ला अखुंदजादा,
सर्वोच्च नेता होंगे जिन्हें अमीर उल्लाह अफगानिस्तान कहा जाएगा। प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन के साथ दो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। तालिबानी सरकार का नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान होगा। ये तालिबान की अंतरिम सरकार है जिसमें किसी महिला को शामिल नहीं किया गया है। ग्राफिक्स में जानिए तालिबानी सरकार में किसे क्या जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट में ये भी शामिल न्याय मंत्री मौलवी अब्दुल हकीम शरिया, पवित्रता मंत्री शेख मोहम्मद खालिद, उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बाकी हक्कानी, ग्रामीण विकास मंत्री यूनिस अखुनजादा, जन कल्याण मंत्री मुल्ला अब्दुल मनन उमारी, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन नजीबुल्ला हक्कानी, माइंस एंड पेट्रोलियम मंत्री मुल्ला मोहम्मद अस्सा अखुन, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर, मिनिस्टर ऑफ एविएशन हमीदुल्लाह अखुनजादा, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर मुल्ला खैरुल्लाह खैरख्वाह, मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी तारी दिन मोहम्मद हनीफ, हज एंड औकाफ मिनिस्टर मौलवी नूर मोहम्मद साकिब, मिनिस्टर ऑफ बोर्ड्स एंड ट्राइबल अफेयर्स नूरुल्लाह नूरी। शरिया कानून से चलेगी तालिबान सरकार। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान के सरकारी और लोगों की जिंदगी से जुड़े सभी मसले शरिया कानून के मुताबिक चलेंगे। बता दें कि औरतों की नाक काटने से लेकर आंखें निकालने तक तालिबान अपनी क्रूरता के लिए शरिया कानून का सहारा लेता रहा है। तालिबान का शरिया, तालिबान क्रूरता की हदें पार करते हुए आज भी हुदूद सजाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये शरिया का एक्सट्रीम वर्जन अपनाते हैं। पश्तो में तालिबान का मतलब स्टूडेंट होता है। तालिबान को खड़ा करने में मदरसों का बड़ा योगदान है। 1990 के दशक में इन मदरसों की फंडिंग सऊदी अरब से होती थी, वहीं से शरिया की विचारधारा भी आ गई। वक्त के साथ तालिबान की कट्टरवादी सोच और गहरी होती गई। 1996 से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई। देश में शरिया कानून लागू हो गया है। सार्वजनिक सजा देना आम हो गया है। म्यूजिक, टीवी और वीडियो पर बैन लगा दिया गया है। जो शख्स 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था या दाढ़ी कटवा लेता था, उसे सार्वजनिक रूप से पीटा जाता रहा है। तालिबान के राज में किस तरह की हो सकती है न्यायपालिका, सबसे बड़ा सवाल। माना जा रहा है कि न्यायपालिका सीधे सुप्रीम लीडर के अंडर काम करेगी। सुप्रीम लीडर ही चीफ जस्टिस को नियुक्त करेगा और चीफ जस्टिस सीधा सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करेगा। ईरान में भी चीफ जस्टिस के पास गार्जियन काउंसिल के सदस्य को भी नियुक्ति करने का अधिकार होता है। ऐसी ही व्यवस्था तालिबान अपना सकता है। इससे पहले तालिबान जब शासन में था, तब उसने अलग अलग जगहों पर अपनी कोर्ट बना रखी थी। इन कोर्ट में दीवानी मसलों में फैसले के लिए स्थानीय इस्लामिक विद्वानों की राय ली जाती थी। तालिबान की कोर्ट विवादों की तत्काल सुनवाई और फैसलों के लिए लोगों के बीच चर्चा में थे। दो तरह की हो सकती है कोर्ट। तालिबान की नई सरकार में दो तरह की कोर्ट हो सकती है, एक पब्लिक और दूसरी शरिया। मुसलमानों से जुड़े मसलों की सुनवाई शरिया कोर्ट में हो सकती है और दूसरे धर्मों के लिए पब्लिक कोर्ट में न्याय के लिए जा सकते हैं। शरिया कोर्ट न्याय के लिए पूरी तरह शरिया कानूनों का सहारा लेगी। तालिबान शासन में कैसा होगा सेना का रोल? सेना पर सीधा सीधा कंट्रोल सुप्रीम लीडर का होता है। ईरान में जिस तरह से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स हैं, उसी तरह तालिबान में भी सेना की एक विशेष कमांड हो सकती है। तालिबानी प्रवक्ता ने रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि तालिबान एक नई नेशनल फोर्स की स्थापना करने की प्लानिंग कर रहा है। इस फोर्स में तालिबानियों के साथ साथ अफगानिस्तान सेना के सैनिक भी होंगे। तालिबान ने अफगानी सेना में रह रहे पायलट और सैनिकों से कहा है कि वो दोबारा सेना ज्वाइन करें। तालिबान 1.0 में किस तरह की सरकार थी? तालिबान ने 1996 से 2001 के दौरान अफगानिस्तान पर शासन किया। इस दौरान तालिबानी सरकार खुद को इस्लामिक एमिरेट कहती थी। हालांकि उस समय तालिबान की सरकार को चंद देशों ने ही मान्यता दी थी, लेकिन करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया।
तो दर्शकों, ये जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी सबसे पहले, जहां पर एक नशेड़ियों का शहर दिखाया था, ये तस्वीरें जो हैं वो फिलाडेल्फिया की हैं। फिलाडेल्फिया की ये सबसे खतरनाक स्ट्रीट है। आपको बता दूं कि शहर की क्या क्या जो क्वालिटीज हैं शहर की, जो आप वेस्ट वेस्ट जो लोग करते हैं, जो लोग दूसरी कंट्रीज पर बड़ा दिल लुटाते हैं, बड़ा प्यार लुटाते हैं, बड़ा मरते हैं, उनको बता दूं कि ये जो शहर है यहां पर वायलेंट क्राइम जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन में है। यहां पर ड्रग ओवरडोज की वजह से 50% लोगों की जो डेथ है वो रेट बढ़ गया। कब से कब तक? 2013 से लेकर 2015 के बीच में यहां पर डेथ रेट बढ़ गया, इतने लोगों की ड्रग्स की वजह से मौत होने लगी। और फिलाडेल्फिया का सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्राइम रेट और इसके साथ ही ड्रग एब्यूज है। आपको बता दूं यहां की लमसम सारी पॉपुलेशन इन्हीं दोनों चीज से जूझ रही है, पूरी पॉपुलेशन इन्हीं दोनों चीज से जूझ रही है। और कैंगस्टन में जो ड्रग्स का यूज है वो बहुत ज्यादा हो गया, इसकी वजह से सर कोई परेशान है। द नेबरहुड हैज अ ड्रग क्राइम रेट ऑफ 3.57% इनका क्राइम रेट है, ये हाईएस्ट है फिलाडेल्फिया का। और इसके साथ ही आपको बताऊं कि यहां पर जो ड्रग ओवरडोज की वजह से जो डेथ्स हैं वो 80% फिलाडेल्फिया की ओवरडोज डेथ्स की वजह से हैं। यहां पर जो ड्रग लिया जाता है उसको ओपियोड्स बोलते हैं, ओपियोड्स ड्रग लिया जा रहा है और हेरोइन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, दिस इज ऑल लीगल, ये सब कुछ लीगल है, क्योंकि उनका मानना है कि ड्रग्स को जितना ज्यादा एक खुली हवा में लेने दिया जाएगा उतना ज्यादा बेहतर है, उतना ज्यादा लोग खुलकर इस पर बात कर सकेंगे। और ऐसे में पूरा एक शहर ड्रग्स की गिरफ्त में। दो तस्वीरों से आपको आज वाकिफ कराया गया, एक तस्वीर अमेरिका के फिलाडेल्फिया के किंगस्टन की है और दूसरी तस्वीर जो थी वो अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान में तालिबान की ये तस्वीरें हैं और कैसे तालिबान एक सरकार बनाता है हम सबके सामने, और सरकार बना के बैठा है और हम सब मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखते हैं। जब हम लोग कहते हैं ना कि सड़क पर किसी की पिटाई हो रही थी और जनता देखो मूक दर्शक बनी थी, ये वही लोग हैं, बस थोड़ा सा बड़े लेवल। यहां क्या है कि यहां देश देख रहे हैं और अफगानिस्तान में कुछ आतंकी, कुछ गुंडे लोगों को मार रहे हैं, मानवता का कत्ल कर रहे हैं और पूरा देश, हर कोई ये सब होता देख, हर कोई देख, सब कुछ देख और ये सबके सामने, लेकिन कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। तो ये सब देख रहे हैं, तालिबान की तस्वीरें हैं। आपको चार्ट के थ्रू अगर बताने की कोशिश करूं तो जो चार्ट है वो भी बड़ा अपने आप में एक क्या कहते हैं उसको कि मजेदार है। मजेदार इसलिए है क्योंकि चार्ट पर अगर नजर डालें तो जो लीडर भाई साहब हैं, इनका नाम है मौलवी हिबतुल्लाह आमिर अल मुल्मुमीन, इनका नाम है, ये फॉर्मल तालिबान चीफ जस्टिस लीडर है सिंस 2016 से। अब इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी है, जो गवर्नमेंट बनी है उसकी बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर है मुल्ला हसन अखुंद, ये हेड ऑफ तालिबान लीडरशिप है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, ये फॉर्मर हेड ऑफ तालिबान पॉलिटिकल ऑफिस एंड काउंसिल है। नाम देखिए, हैं सब आतंकवादी, एक एक नंबर के छठे आतंकवादी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक और है मौलवी अदुल सलाम हनफी, फॉर्मर मेंबर ऑफ तालिबान नेगोशिएशन टीम इन कतर। अच्छा, आतंकवादियों की भी एक नेगोशिएशन टीम होती है जी। अब आते हैं कि मिनिस्ट्री पर, मिनिस्ट्री तो बेहद शानदार। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा मिनिस्ट्री में इंटीरियर की। इंटीरियर मिनिस्टर जो है सिराजुद्दीन हक्कानी, ये FBI की टॉप लिस्ट, टेररिज्म की टॉप लिस्ट में शामिल है। इनके ऊपर $5 मिलियन का इनाम रखा गया था। ये वही भाई साहब हैं आज जो इंटीरियर मिनिस्टर बनकर बैठे हैं अफगानिस्तान के। सोचिए, जिसका FBI की लिस्ट में टॉप मोस्ट आतंकवादी जिसको माना गया हो, जिसके ऊपर $5 मिलियन का इनाम रखा गया हो, आज वो एक देश का इंटीरियर मिनिस्टर। दिस इज सो स्ट्रेंज, बट है जो है सच है। दूसरे हैं डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, ये डिफेंस मिनिस्टर साहब है, ये भी आतंकवादी। इसके बाद आते हैं फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मौलवी आमिर खान मुताकी, ये भाई साहब है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, ये भी आतंकवादी।
एक आतंकवादी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बन रहा है और सब देख रहे हैं। दिस इज सो यू नो वेरी स्ट्रेंज। इसके बाद है मुल्ला हिदायत बादरी साहब, ये फाइनेंस मिनिस्टर आतंकवादी है। बंदूकों के कितनी गोलियां, कितना आर्मर आया, कितने आज लोगों को मारा, ये सब चीजें करने वाले आज बन गए हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ये कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे ये तो सबको पता है। जस्टिस का भी मिनिस्टर है, बड़ी चौंकाने वाली चीज। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो लोग यहां बैठकर तालिबान की चालीसा पढ़ते हैं, जो तालिबान चालीसा पढ़ते हैं उनके लिए है ये सब कुछ कि इनका जस्टिस मिनिस्टर भी है। सो गुड, कितनी अच्छी खबर, कितनी अच्छी खबर आई है। तो इस पर अब मैं बताऊं तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साहब एके मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। तो एके मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। जी थैंक यू, थैंक यू। एके मिश्रा साहब, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल मिल रही है, बताइए। जी एके मिश्रा साहब, तालिबान की जो पूरी जो मिनिस्ट्री की जो एक रचना की गई है, ये रचना इतनी शानदार दिखती है दूर से कि जो सबसे बड़ा आतंकवादी वो प्राइम मिनिस्टर, जो उससे छोटा आतंकवादी वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो छोटे छोटे चेले चपाटे होते हैं जैसे नेताओं के पीछे, जितने ननकू और राम और राघव घूम रहे होते हैं, जितने वो हैं उनको कुछ 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 पद दे दिया गया। ऐसे में आप इसको एके मिश्रा जी किस नजर से इसको आंकते हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए ये इतिहास है, कोई नई चीज नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा बाबर कौन था। बाबर भी तो उसी धरती से आया था, वो भी तो एक लुटेरा था। तो जहां पे जेनेटिकली अगर देखा जाए जिनकी ब्रीड ही ऐसी है, वहां पे आपको पढ़े लिखे लोग कहां मिलेंगे, आप मुझे ये बताइए। जितने लुटेरे थे, जितने डाकू थे, जितने खूनी थे, वो सब वहां पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन के बैठे हैं। ये ट्रेडिशन है, उनकी नजरों में ये बहुत अच्छा हो सकता है। और वर्ल्ड बिरादरी की नजरों में, सभ्य समाज के नजरों में अगर ये देखा जाए तो उनके पास ऐसा मेटेरियल ही नहीं है। आप पूरे तालिबान में किसी एक शरीफ आदमी को आप बता दीजिए, सत्ता इन्होंने हमेशा बंदूक की नोक पे, तलवार की नोक पे, जो बहस बहुत होती थी डिबेट में कि भाई भारत में तलवार की नोक पे जो है इन्होंने सत्ता पाई थी, आज ये उसका जवाब है। आप मुझे ये बताइए कि अफगानिस्तान में जो सत्ता पाई गई है वो कैसे, वो शांति, शांति का मजहब है तालिबानियों का मजहब जो है, या तालिबानियों का जो नेचर है वो शांति से उन्होंने सत्ता पाई है, वो भी तो जो है तलवार पे पाई है। वर्ल्ड बिरादर ने, पूरे दुनिया ने आंख मीच के रखी हुई थी, लेकिन ये फैक्ट है और ये कटु सत्य है। पिछले हजार सालों से आप देखेंगे इनका फंडा यही है, जब भी सत्ता मिलती है लेना है तो तलवार ही इनके लिए हर समस्या का समाधान है। मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी ये बताइएगा, जब सड़क पर किसी को मान लीजिए कोई पीट रहा है, कोई गुंडा बदमाश किसी आम जन को मार रहा है, पीट रहा है, तो वहां पर जो लोग फोटो बनाते हैं, जो लोग वीडियो बनाते हैं, उनको लेकर बड़ी चर्चा होती है कि बताइए मूक दर्शक बना रहा, वीडियो बनाता रहा, बताइए बेशरम फोटो खींचता रहा। आज जब तालिबान अफगानिस्तान में सरेआम खुली सरकारी गुंडई कर रहा है, तब बाकी तमाम देश मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये लोग एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, ताजपोशी का फंक्शन होने वाला है, और कितनी शर्म की बात है कि किसी भी देश ने अभी तक सीधे मना नहीं किया है। सब कह रहे हैं कि ठीक है देखते हैं आएंगे, तो ये भी तो एक चीज है मिश्रा जी। सभ्य समाज का जो मुखौटा है ना वो उतर रहा है। मैं ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूँ और भारत में भी जो लोग तालिबान का फेवर कर रहे थे, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, उनके चेहरे से मुखौटा उतर रहा है। हर चीज का पैमाना, न्याय का पैमाना सेम होता है, दोयम दर्जे का नहीं होता है। कि अपने लिए कुछ और पैमाना है, दूसरे के लिए कुछ और पैमाना है। आप किसी भी पैमाने पे उठा के, और आज के तालिबान की बात नहीं कर रहा हूं, ये तालिबान इनका जेनेटिक मटेरियल यही है। पिछले हजारों सालों से आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जहां पे भी सत्ता मिली है, मॉडर्न में देख लीजिए, मेडिवल में देख लीजिए, किसी भी एज में देख लीजिए, आप ये देखिए अभी भी जहां पे सत्ता अरब में जो, आप ये देखिए सत्ता सऊदी अरब की अगर आप बात करें, कितना खूनी खेल हुआ था सत्ता पाने के लिए, वहां पे खिलाफत थी उस वक्त। अरब के जो आज प्रिंस है उनका क्या हुआ था, उनके दांत वगैरह का सर कम कर दिया गया था हाजिया सोफिया मस्जिद पे जा करके। तो आप कैसे इसको बोलेंगे, इसमें ऐसा उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वर्ल्ड बिरादरी का जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा साहब, अपने लिए पैमाने दूसरे होते हैं, दूसरों के लिए पैमाने दूसरे होते हैं। केवल भारत वर्ष एक ऐसा देश रहा है जिसके लिए सत्य का, न्याय का पैमाना सबके लिए बराबर है। बिल्कुल मिश्रा जी, एक और चीज, क्योंकि हम और आप एक ही पेशे से आते हैं, मिश्रा जी ये बताइएगा कि वेस्टर्न मीडिया
जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करूं, पूरी तरह से एक्सपोज होकर पड़े हैं आज। इनको तब तो बड़ा मजा आता है कि भारत में देखिए दूसरी लहर में लोग मर गए, तब तो बड़ी कलाकारी आती है, फोटो डिजाइनिंग होती है, पूरा फोटो शूट करते हैं यहां पर। लेकिन अब जो अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्सेस जब वापस आई है, किस तरीके से वहां पर लोगों के साथ क्या क्रूरता की जा रही है, इनके खुद के हवाई जहाज वहां पर पतंगे लोग उड़ा रहे हैं, जिन्होंने आज तक सही से साइकिल भी ना चला पाई हो वो लोग इनके हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, उधर इनकी नजर नहीं जाती है? नहीं, देखिए वेस्टर्न मीडिया को अगर कोई अच्छा समझता रहा हो, उनके भी कई मुखौटे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं इतिहास में बहुत सारे ऐसी चीजें आपको बताऊंगा। वेस्टर्न मीडिया जितना सेल्फिश है उतना और कोई मीडिया सेल्फिश नहीं है, भले ही भारत के मीडिया को यहां अंदर बैठे हुए लोग भी और बाहर के लोग भी कोई भी आरोप लगाए, लेकिन आज की स्थिति में आप ये देखिए और इतिहास भी उठा के पिछले 50 सालों 100 सालों का आप ये देख लीजिए। बीबीसी लंदन रसिया में बैन हो गया है। क्यों बैन हो गया है? वो इसीलिए बैन हो गया है कि उनका अपना, उनके अपने मुद्दे होते हैं, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी लॉबी के हिसाब से खबरों को ट्विस्ट करके दिखाते हैं। आप तालिबान देखिए, जब तक वहां पे अमेरिका था तब तक अमेरिका के फेवर की चीजें वो वेस्टर्न मीडिया दिखा रही थी। अब अमेरिका चला गया है, वहां पे अगर कुछ गलत हो रहा है तो अब उनको वो दिखाना ही नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, दुनिया भर में जितने लोग, चाहे वो मीडिया संस्थान हो, चाहे कोई और नेता हो, या जो तालिबान का फेवर ले रहे हैं, देखते जाइए अमेरिका के चेहरे से भी मुखौटा उतरा है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, बिल्कुल सारे देशों का आप मुखौटा देखते जाइए, पत्रकारों का मुखौटा आप देखते जाइए, कैसे हट रहा है। जी बिल्कुल मिश्रा जी, यही रुकना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी के कारण ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया। तो बाकी मैं क्या कहना चाह रहा था मैं उसको बताता हूं। सिराजुद्दीन हक्कानी इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, ध्यान से सुनिएगा, सिराजुद्दीन हक्कानी इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान है। ये वही शख्स है जो कि अमेरिका में, जिस पर $5 मिलियन का रिवॉर्ड रखा गया है, ये वही शख्स है जिसको एफबीआई की लिस्ट में टॉप नंबर पर रखा गया है। और ये शख्स न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखता है और आर्टिकल का शीर्षक होता है व्हाट वी द तालिबान वांट। ये शीर्षक के साथ ये आर्टिकल लिखता है जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स छापता है अमेरिका के अंदर बैठकर, जहां पर एफबीआई की लिस्ट में ये टॉप पोस्ट आतंकवादी है, जहां पर इसके ऊपर $5 मिलियन का इनाम रखा गया है। और यही तालिबान इन्हीं के रिपोर्टर को मारता है, पीटता है, घसीटता है। यह है आपके लिए वेस्टर्न मीडिया, यह है आपके लिए वेस्ट की तस्वीरें, यह है आपके लिए अफगानिस्तान की तस्वीरें, यह है आपके पास सब कुछ जो कि आज एक्सपोज हो चुका है। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए